Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is your Pranav Sharma, and if you are new to this channel, I'll be very happy if you take a moment and subscribe my channel below. And so dosto, as you already know from my previous vlog that I came to CW for some of my personal work, and I have enough time because tomorrow also I have some work in Sitapur. So now there is a very famous temple 40 kilometer away from Sitapur, which is Naimisharanya, and so we decided to go there, and we are heading now for Naimisharanya. It's already late, and it actually need minimum 4 hours to cover the entire temple, but we'll see how much we can cover. So yes, till then stay tuned, stay connected. I just reached Naimisharanya Dham, और Naimisharanya Dham एक धार्मिक place है जो सीतापुर से 40 किलोमीटर की दूरी पे है, और इसको धाम नाम इसलिए दिया गया है कि बोला जाता है कि प्राचीन काल में अराउंड 88,000 ऋषि मुनियों ने एक साथ बैठकर वहाँ पर तपस्या की थी. और यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं इस पूरे Naimisharanya Dham में. सबसे पहले हम आए हैं ललिता देवी मंदिर में, और ललिता देवी पार्वती सती का दूसरा अवतार है. बोलते हैं कि जब पार्वती जी ने सती कर लिया था खुद को, तो उस समय भगवान शिव जी जब उनको लेकर के जा रहे थे तो उनके शरीर के जो अंश हैं 108 अंश गिरे थे, और उनमें से एक अंश जो है वो यहाँ पे गिरा था Naimisharanya Dham में, जिसको नाम ललिता देवी का नाम से जाना गया. तो आइए दर्शन करते हैं. तो गाइज, हम लोगों ने 108 शक्ति पीठ ललिता देवी के दर्शन कर लिए हैं, एंड नाउ हम लोग बहुत अच्छे टाइम पर वहाँ पहुँचे थे. 8 बजे उनकी आरती का टाइम होता है, तो मस्त आरती में ललिता देवी माता के दर्शन हो गए.
और अभी मैं आया हूँ दूसरे स्थल पे जो वहाँ से 5 मिनट की दूरी पे था ललिता देवी मंदिर से, जिसको चक्र तीर्थ बोलते हैं। सो लेट्स सी के यहाँ पे क्या है। चक्र तीर्थ नैमिष के भी दर्शन हो गए और वहाँ पर भी आरती हो रही थी। अभी हम तीसरी जगह पर आए हैं, ये भी वहाँ से 5 मिनट के डिस्टेंस पर ही है, जिसका नाम है व्यास गद्दी और महर्षि वेद व्यास का जो तपस्या का स्थान था वो है ये। तो आइए देखते हैं। We are done with the darshan of Vyas Gaddi also, and now let's see where is our next station or next temple to visit. We came to Hanumangadi. So Hanumangadi is our fourth darshan place, and I'm shocked that here 90% crowd are from Telangana or from South India. So let's see. Since it is Tuesday, so crowd बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. ये हनुमानगढ़ी मंदिर क्यों फेमस है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भगवान श्री राम रावण युद्ध के समय अहिरावण ने जब श्री राम तथा लक्ष्मण जी का अपहरण किया, तब हनुमान जी ने पातालपुरी में जाकर अहिरावण का वध करके कंधों पर श्री राम और लक्ष्मण जी को बैठाकर यहीं से दक्षिण यानी लंका की ओर प्रस्थान किया। यहां हनुमान जी दक्षिणमुखी प्रकट हुए। यहीं पर पांडवों ने महाभारत युद्ध के उपरांत आकर 12 वर्ष तपस्या की है, जिसे पांडव किला कहते हैं। यह मंदिर दक्षिणामुखी हनुमान मंदिर के नाम से प्रचलित है, जो कि बहुत दुर्लभ है।
सो गाइज़, अब मैं आ गया हूँ बालाजी टेम्पल, जो साउथ में फेमस है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 90% जो क्राउड है वो तेलुगु क्राउड है, और सभी लोग तेलुगु में बात कर रहे हैं। जो मंदिर बनाया हुआ है वो तेलुगु लोगों ने ही बनाया हुआ है, और उन्होंने हर जगह पे तेलुगु लैंग्वेज लिखा है। पंडित जो हैं यहाँ के, पुरोहित जो हैं, वो भी तेलुगु और हिंदी में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो तेलुगु कम्युनिटी की है। अभी आपको दिखाते हैं, बालाजी के दर्शन कराते हैं। Thank you.
सो दोस्तों, ये हमारा लास्ट स्टॉप है जो गोमती नदी का है। अगर नहीं पहुंचे तो डिग्री